इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको जब आप अपना टेलीग्राम चैनल बनाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है सॉरी दिस नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, ठीक है, लिंक बनाते टाइम। तो बेसिकली ये क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जी, आपको एक URL देते हैं जिसमें t.me तो आपको मिलता ही मिलता है क्योंकि ये एड्रेस होता है शुरू का। अब दूसरा ऑप्शन ये खुद दे देता है कि पब्लिक लिंक आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, प्राइवेट पर रखते हैं तो ये जो है आपको खुद बना कर दे देता है, ठीक है, t.me ज्वाइन चैट वगैरह। लेकिन अगर आप पब्लिक बनाते हैं तो वहाँ पर आपको चूज़ करने का ऑप्शन दे देता है। तो जैसे यहाँ पर आप डाल देते हैं तो पहले तो ये कहता है मैक्सिमम 5 कैरेक्टर, ठीक है, 5 कैरेक्टर से ऊपर का बनाइए। तो जब आप बनाते हैं तो ये जो है मना करते रहता है। तो अब यहाँ पर कैसा बनाए यूज़र नेम ये मैं आपको बताने वाला हूँ जो कलेक्ट कर ले। तो देखिए यहाँ पर आपको यूज़र नेम बेसिकली ये होता है कि पूरे प्लेटफॉर्म पर अगर आप एक जैसा नाम यूज़ करते हैं तो उससे डिफरेंट आपको रखना होगा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर UMM लगाते हैं तो ये एग्जिस्ट है, AA को लगाते हैं और इस पर गिनती लगाते हैं तो यहाँ से अब भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं तो ये जो है अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसे राइट क्लिक करेंगे तो ये आपका ग्रुप जो है बन जाएगा। अगर आप एक ही नाम को बार बार क्लिक करना चाहते हैं, वो नहीं बनना उस तरीके से दिखा रहा है, तो इस चीज़ का सलूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आपका जो चैनल है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।